हेलो फ्रेंड्स, टीम यूपीएससी कैन की ओर से आप सभी दोस्तों को अपनी इस दोस्त का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं लेकर आपके लिए सेशन यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स से रिलेटेड क्विज का। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल और जवाब का ये सिलसिला। पहला सवाल, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो दो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से एक सही है, पहला वाला, या फिर दूसरा सही है, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है, या फिर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये क्वेश्चन है इसका मतलब। तो पहला स्टेटमेंट है ये, यह दिवालियापन के मामले से संबंधित देश की पहली इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत आती है। ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका नियंत्रण और उन्नति SBI और LIC जैसी सार्वजनिक संस्थाओं के हाथ में है। तो आपको बताना है इन कथनों के बारे में कि ये सही है या नहीं। तो आपका आंसर है इसमें कि दोनों कथन सही हैं। जो हमने पहला वाला कहा वो भी सही है, दूसरा वाला भी कथन सही है। ठीक है, पहला वाला ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत आता है, दूसरा वाला जो इसका नियंत्रण और प्रमोशन ये SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऐसी संस्थाएं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैप क्रॉप्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है, आपको बताना है कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, या दोनों ही नहीं सही है, या फिर दोनों ही सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, ये ऐसे पौधे हैं जो कीड़े या अन्य जीवों को आकर्षित करने के लिए विकसित किए जाते हैं ताकि कीटनाशक के संक्रमण से लक्षित फसलों की रक्षा की जा सके। एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा, यह आर्थिक दृष्टि से भले ही कम खर्च वाली तकनीक हो परंतु इसे पर्यावरण के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। तो ये क्या सही है इन दोनों में? सही जवाब है कि पहला कथन सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि ये इकोनॉमिकल है लेकिन एनवायरमेंटली फिट नहीं है ये तकनीक, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदीप्ति अनुनाद ऊर्जा स्थानांतरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला कथन है, यह दो वर्ण घूलकों के मध्य ऊर्जा के स्थानांतरण की व्याख्या करती है। ठीक है, दूसरा है, यह ऐसा तंत्र है जिसमें रेडिएशन नहीं होता। तो कौन सा कथन इनमें से सही है? आपका जवाब है कि दोनों कथन सत्य हैं। पहला वाला क्या, कि यह दो वर्ण घूलकों के मध्य ऊर्जा के स्थानांतरण की व्याख्या करने वाला एक तंत्र है। ठीक है, और दूसरा ये कि यह ऐसा तंत्र है जिसमें रेडिएशन नहीं होता। ये दोनों ही कथन सही हैं। अब आइए हम चलते हैं चौथे कथन पे, चौथे क्वेश्चन पे। ये है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। पहले आप देख रहे थे कि पर्टिकुलर स्कीम के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, और जो स्टेटमेंट है वो किसी भी स्कीम से रिलेटेड हो सकता है। पहला स्टेटमेंट है, टेलीलॉ एक ऐसा वेब प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए स्वयंसेवी वकील वंचित दावेदारों
को निशुल्क सेवा दे सकते हैं जो इसे खरीदने हेतु असमर्थ हैं। ठीक है, जैसे भाई जब केस लड़ा जाता है तो क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं। तो यह मानिए मामला ये है कि अगर किसी गरीब को सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उससे कह दीजिए आप कि 4 लाख रुपए एक केस का लगेगा, तो वो खर्च कर पाएगा। वो 1,000 नहीं खर्च पा रहा है तो 4 लाख दूर की बात है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि ये जो टेली लॉ है वो ऐसा वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जो वॉलंटियर वकील हैं वो उन वंचित दावेदारों को अपनी सेवाएं दे सकते हैं जो इसे खरीदने में असमर्थ हैं। दूसरा, न्याय मित्र योजना उन लोगों पर ध्यान देने के उद्देश्य से शुरू की गई है जिनके मामले 10 या उससे अधिक वर्षों से अदालतों में लंबित हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी जो न्याय मित्र जो योजना है वो किस लिए बनाई गई है, उन लोगों को ध्यान रखते हुए बनाई गई है जिनके मामले 10 या 10 से अधिक साल से कोर्ट में लंबित हैं या लटका हुआ है। ठीक है, अब नाउ फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, फियॉर्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब फियॉर्ड एक चीज होती है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, अब आपको बताना है। सेम वैसा क्वेश्चन आ गया जिस तरीके से आपने 3 क्वेश्चंस किए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, फियॉर्ड का निर्माण तब होता है जब ग्लेशियर बर्फ के अलगाव व आसपास के बेडरॉक के घर्षण के जरिए यू आकार की घाटियों को काटता है। ठीक है, ये तो है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, विश्व का सबसे लंबा फियॉर्ड ग्रीनलैंड में स्थित स्कॉर्सबी सुंड है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है कि ये दोनों कथन सही हैं, यानी पहला वाला भी सही है जो कि यू आकार की घाटी को काटता है ग्लेशियर, और दूसरा वाला भी सही है कि स्कॉर्सी सुंड ये जो ग्रीन लैंड में स्थित है वही दुनिया का सबसे लंबा फियॉर्ड है। तो दोस्तों इसी के साथ ये UPSC प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन ये सेशन ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा। इससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिकॉर्डिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कीजिए और इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना? दोस्तों इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार जुनून जज्बात और कड़ी मेहनत को करोड़ों बार नमन करते हुए एक बार फिर आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।